हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे स्टॉपलर सैमुएलसन थ्योरम। इससे पहले वाली वीडियो में अपने हिक्शर ऑलिन थ्योरी देखी थी और भी बहुत सारी थ्योरीज देखी है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड पे है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप एक आर्ट पर जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पर क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बात करते हैं अगर अपन स्टॉपलर सैमुएलसन थ्योरम की। स्टॉपलर सैमुएलसन थ्योरम पे अगर अपन बात करें तो अपन इसमें देखते हैं कि ये पूरा बेस है किसका, हिक्शर ऑलिन थ्योरी का। हिक्शर ऑलिन थ्योरी में क्या कहा जाता है, कोई कंट्री अगर लेबर अबंडेंट है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएगी और उसी को ही एक्सपोर्ट करेगी, ये चीज़ एक कहा जाती है। और एक और चीज़ कही जाती है कि जो कंट्री कैपिटल अबंडेंट है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाएगी और उसी को ही एक्सपोर्ट करेगी। ये चीज़ अपन ने देखी है हिक्शर ऑलिन थ्योरी में। सैमुएलसन इसी पे ही थोड़ा सा और वर्क करके कहते हैं, अगर कोई कंट्री लेबर अबंडेंट है तो वो कंट्री लेबर अबंडेंट गुड एक्सपोर्ट करेगी और उससे क्या होगा, लेबर अबंडेंट गुड्स को ही क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा, गेन होगा, और लॉस किसको होगा, कैपिटल अबंडेंट गुड्स को, क्योंकि उसी कंट्री में कैपिटल अबंडेंट भी है। अब उसको क्या होगा, उसके लिए वो इम्पोर्ट करते हैं, तो जब वो इम्पोर्ट करते हैं तो जो उस कंट्री में जो वो गुड्स बन रहे हैं उनको क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, बाहर वाले की डिमांड करेंगे। ये चीज़ क्या बताना चाहते हैं, स्टॉपलर सैमुएलसन बताना चाहते हैं। अब अगर देखो क्या कहते हैं ये, द थ्योरम डेवलप्ड बाय डब्ल्यू एफ स्टॉपलर एंड पॉल सैमुएलसन ऑन द बेसिस ऑफ हिक्शर ऑलिन थ्योरी। हिक्शर ऑलिन थ्योरी पे इन्होंने और वर्क करके इस पे ही एक चीज़ डेवलप और करी है। राइटर्स स्टार्टेड दैट कमर्समेंट ऑफ फ्री इंटरनेशनल ट्रेड वुड बेनिफिट द रिलेटिवली अबंडेंट फैक्टर एंड हर्ट द रिलेटिवली स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब वही बात है, अगर ट्रेड होता है फ्री ट्रेड, यहाँ पे अपन एक चीज लेके चलते हैं फ्री ट्रेड, अगर फ्री ट्रेड होता है तो अबंडेंट फैक्टर गेन करेंगे, अबंडेंट फैक्टर गेन्स और स्केयर फैक्टर लॉस करेंगे किसी भी कंट्री के, क्योंकि स्केयर फैक्टर के लिए तो वो इंपोर्ट कर लेंगे, जो दूसरी कंट्री को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। इंपोर्ट करने से क्या होगा, अपन अगर इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का तो उसे क्या करें, अपनी इनकम बाहर जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उस कंट्री में वो चीज़ बन रही है उसको नुकसान होगा, तो स्केयर फैक्टर जो है वो लॉस करता है और जो अबंडेंट फैक्टर है वो गेन करेगा। वो कैसे, अबंडेंट फैक्टर है वो यहाँ पे कंट्री में तो यूज़ हो रहा है, प्लस बाहर भी जब अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बाहर भी यूज़ हो रहा है, तो अबंडेंट फैक्टर को क्या होगा, गेन होगा। तो ये स्टॉपलर सैमुएलसन कहते हैं कि अगर फ्री ट्रेड होगा तो ये दोनों चीज़ें होगी। अब इसके बाद इन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए, जैसे कि प्रोडक्शन हो रहा है दो कमोडिटीज़ का, जैसे क्लोथ और स्टील। क्लोथ कौन बना रही है, क्लोथ बना रही है लेबर अबंडेंट कंट्री, और स्टील कौन बना रही है, कैपिटल अबंडेंट कंट्री स्टील प्रोड्यूस कर रही है। अब दो ही फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है लेबर और एक है कैपिटल, और वही दो ट्रेडिंग कंट्रीज है, एक ए कंट्री हो जाएगी, ये ए कंट्री मानो, और ये क्या हो जाएगी, बी कंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ अपन लेके चल रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन फॉर ईच ऑफ टू कमोडिटीज इज होमोजीनियस ऑफ फर्स्ट डिग्री, इट इम्प्लाइज दैट द प्रोडक्शन इज गवर्न्ड बाय कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, बोथ लेबर एंड कैपिटल आर फुली एम्प्लॉयड। अब दोनों कैपिटल और लेबर क्या है, एम्प्लॉयड है फुली। द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड इन सप्लाई, सप्लाई में दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फिक्स्ड है, यानी कैपिटल भी फिक्स है और लेबर भी फिक्स है, मतलब जितने इकोनॉमी में लेबर थे उतने ही है, कैपिटल भी जितने थे उतने ही है। द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट इन बोथ फैक्टर और प्रोडक्ट मार्केट में, प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन है। गिवन कंट्री इज लेबर अबंडेंट एंड कैपिटल स्केयर, जो भी अपनी कंट्री है, जैसे अपन ए को खुद को मान के चलेंगे, अपन ए को क्या मान रहे, सेल्फ मान रहे, तो एक क्या है, लेबर अबंडेंट है और कैपिटल स्केयर है, ये अपन मान के चल रहे हैं। द क्लोथ इज लेबर इंटेंसिव, क्लोथ क्या है, लेबर इंटेंसिव क्लोथ है, और ये क्या है, स्टील, कैपिटल इंटेंसिव स्टील है। द इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड आर फिक्स है टर्म्स ऑफ ट्रेड, नाइदर कमोडिटी इज इनपुट प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी, मतलब कोई भी इनपुट्स है जो क्लोथ इंडस्ट्री में लग रहा है वो स्टील इंडस्ट्री में नहीं लग सकता है। ठीक है, ये अपन ने देखा। फिर इसके बाद बोथ द फैक्टर्स आर मोबाइल बिटवीन टू इंडस्ट्रीज, मतलब जो कैपिटल के फैक्टर्स है वो लेबर वाले में जा सकते हैं और लेबर के जो फैक्टर्स है वो कैपिटल वाले में जा सकते हैं इजीली।
ठीक है। और सेक्टर बट दीज आर नॉट मोबाइल बिटवीन टू कंट्रीज, बट अगर ए कंट्री से मैं बी कंट्री में जाने की बात करूँ इनको तो ये नहीं जाएंगे। क्लियर। देयर इज अ एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती, मतलब एक गुड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रही है। ये सब इसके कुछ क्या थे, अपने अजम्पशंस थे। अब देख रहे हैं अपन ये डायग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अपन ने देखा ये जो कर्व बन रहा है ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे आइसोकॉन्ट कर्व होते हैं। आइसोकॉन्ट कर्व क्या बताते हैं, कितने प्रोडक्शन हो रहा है। और अब इसके अंदर अपन ले रहे हैं ए कंट्री, अपन खुद को मान के चल रहे हैं, बी कंट्री के हिसाब से भी मान सकते हैं, बट अपन यहाँ पे बी कंट्री को लेके ऐसे नहीं चल रहे हैं, अपन ए कंट्री को लेके चल रहे हैं। और ए कंट्री का ही देख रहे हैं कि ये आइसोकॉन्ट कर्व है एक्स गुड के लिए और ये आइसोकॉन्ट कर्व है वाई गुड के लिए, ठीक है। अब ये उल्टा क्यों बना हुआ है, आइसोकॉन्ट कर्व हमेशा ऐसे बनते हैं, ठीक है। अब ये उल्टा ऐसे क्यों बना हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इसको अपन ऐसे उल्टा करके भी देख सकते हैं, अपन इसको ऐसे भी इजीली देख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इसको हटाता हूँ, इसको अपन ऐसे उल्टा करके भी देख सकते हैं, और जब अपन ऐसे उल्टा करके देखेंगे तो ये जो वाई का आइसोकॉन्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगा, इसलिए ये ऐसे बनता है, इस चारों साइड बाउंड्री इस वजह से बनती है। तो अभी मैं इसको सीधा कर देता हूँ और अपन देखते हैं। अब जैसे अगर अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या था, ट्रेड नहीं हो रहा था दोनों कंट्रीज़ में, अभी तक क्या है वो कंट्री खुद के लिए बना रही थी, तब एक्स का प्रोडक्शन इतना हो रहा था, एक्स जीरो पे हो रहा था, और वाई का प्रोडक्शन कितना हो रहा था, वाई जीरो पे हो रहा था। तब अगर अपन देखें तो किस पॉइंट पे हो रहा था, आर पॉइंट पे हो रहा था। तो आर पॉइंट पे अगर अपन एक लाइन खींचे ऐसे सीधी, तो यहाँ पे कौन सी लाइन बनती है, ए आर लाइन बनती है। अगर अपन इसका वो निकालें डिग्री कितनी, कितने डिग्री की है ये, तो ये है मान लो अपने यहाँ पे लिख दिया अल्फा की है। अब यहाँ से अपन सी से भी लेते हैं क्योंकि सी पे क्या है, वाई गुड है, वाई गुड को अपन यहाँ से नापते हैं। तो अगर अपन सी से देख रहे हैं तो सी से क्या होगा, सी आर आएगा, तो सी आर क्या है, सी आर क्या है, बीटा है। ये अपन ने लिख लिया है कि ए आर क्या था, अल्फा था और सी आर बीटा था। अब क्या हुआ, ट्रेड होने लगा, ट्रेड होने की वजह से क्या हुआ, जो लेबर अबंडेंट है, क्योंकि अपनी कंट्री क्या है, अपन ए कंट्री लेके चल रहे हैं और ए कंट्री क्या है, अपन सेल्फ है, ठीक है। अब अपन सेल्फ है तो ए क्या है, लेबर अबंडेंट है, तो लेबर वाले गुड्स जो होंगे वो बढ़ेंगे क्योंकि वो अपन एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये एक्स ओ अपन ने लेबर ले रखा था, लेबर वाले गुड्स, और यहाँ पे अपन ने ले रखे हैं कैपिटल वाले गुड्स, तो लेबर वाले गुड्स बढ़े, इंक्रीज हुए, तो ये एक्स ओ से कहाँ से पहुँचे, एक्स वन पे पहुँचे, इंक्रीज हुए, आगे बढ़ेंगे, राइट साइड शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे पहुँचे। अब जो थे अपने स्केयर फैक्टर, स्केयर फैक्टर कौन से थे अपने, कैपिटल अबंडेंट वाले स्केयर फैक्टर थे, अब वो क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। अब मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं, इसको उल्टा करता हूं मैं वापस, अब देखो, अब अपन ने मैंने कहा कि एक्स ओ जो है वो बढ़ गया और एक्स वन पे पहुंच गया, बट वाई ओ जो था, वाई जीरो जो था वो कम होना चाहिए, तो ये वाई जीरो यहाँ पे कम हो गया। अब ये पीछे की साइड आ गया, इस साइड से मैं क्या देख रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ, तो इस साइड से ये क्या हो गया, पीछे आ गया, और पीछे आ गया तो वाई वन बन गया। क्लियर। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये फर्क पड़ा किस पे, वाई पे और एक्स पे। तो वाई क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि क्या हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ा किसका, एक्स गुड का, यानी लेबर अबंडेंट गुड का क्या बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा, उससे क्या हुआ, जो कैपिटल अबंडेंट जो गुड्स थे उनका प्रोडक्शन कम हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब ये कारण क्या होता है इसका होने का, वो अगर मैं आपको बताऊं तो रीजन ये होता है, रीजन ऐसे अपन मान के चल सकते हैं कि जब भी अपन किसी चीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ पे अपन को जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी ज़्यादा इंक्रीज की ज़रूरत होती है। तो अपने पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ दो ही है, लेबर और कैपिटल। तो लेबर और कैपिटल को उठा करके जब अपन लेबर अबंडेंट वाले में डालेंगे, कहाँ से निकालेंगे अपन, कैपिटल अबंडेंट वाले से निकालेंगे, क्योंकि अपन को लेबर अबंडेंट वाला पढ़ाना है। तो जब अपन ने कैपिटल अबंडेंट के जो फैक्टर्स है वो लेबर अबंडेंट में डाले, तो कैपिटल अबंडेंट का जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा, और वो कम होने की वजह से कैपिटल अबंडेंट के जो गुड्स है वो कम हो जाएंगे और लेबर अबंडेंट के जो गुड्स है वो बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से क्या हुआ, जो एक्स ओ था वो बढ़ के एक्स वन चला गया, और वही जैसे मैंने इसको आपको उल्टा करके बताया कि जो पहले वाई ओ था, जो जितना प्रोडक्शन हो रहा था वो कम होके वाई वन आ गया। तो इस जगह पे क्या हुआ, अब अगर इस जगह पे देखें तो ये क्या है, ए एस है, ए एस है, तो ए एस क्या है, अल्फा वन है। ये देखो, ये बन रहा है, ये ए एस अल्फा वन है। अब यहाँ से क्या बन रहा है, सी एस बन रहा है बीटा वन। क्लियर। अब मैं बात करूँ
AR और AS को देखें तो ज़्यादा बड़ा कौन सा है, कौन सी बड़ी डिग्री है, अल्फा वन की ज़्यादा ग्रेटर है अल्फा से, ओके। और बी वन और बी में देखें तो कौन सी ज़्यादा बड़ी है, तो बी वन बी से बड़ी है, अल्फा डैश अल्फा से बड़ा है और बीटा डैश बीटा से बड़ा है। तो यहाँ पे फ़ायदा किससे हो रहा है, अपन को एक्सपोर्ट करने से फ़ायदा हो रहा है, और एक्सपोर्ट करने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि अपने जो अबंडेंट फैक्टर है उनको गेन हो रहा है और जो स्केयर फैक्टर है उनको लॉस हो रहा है। बट इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आ रहा है, ये सब ज़्यादा हो रहा है और ये आगे बढ़ रहा है, इतना अपन इसमें मान के चलते हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। अब इन्होंने लिया एडवर्स इफेक्ट ऑफ टैरिफ। टैरिफ के एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे कि अगर टैरिफ लगता है, टैरिफ लगता है तो टैरिफ क्या होता है, टैरिफ होता है मतलब जब भी कोई भी कंट्री इंपोर्ट करती है उस पर क्या लगाती है, एक चार्ज लगा देती है, एक चार्ज लगा देती है कि मतलब अगर आप बाहर से कोई भी गुड़ ला रहे हो 10 रुपये की तो उसके अंदर 2 रुपये आपकी गवर्नमेंट को आपको देने पड़ेंगे वो लाने की वजह से। तो ये जो 2 रुपये होते हैं वो कहलाते हैं इम्पोर्ट चार्जेस, यानी टैरिफ कहलाते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि अगर अपन कोई भी इम्पोर्ट चार्जेस लगाते हैं तो अबंडेंट फैक्टर जो होगा वो लॉस करेगा और स्केयर फैक्टर क्या करेगा, गेन करेगा फ्रॉम टैरिफ ऑन इम्पोर्ट गुड्स। अब इसका कारण क्या होता है ये समझना, अभी तक इसके ऊपर का तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब इसके बाद का ये क्या कहते हैं, टैरिफ से बिफोर क्या हो रहा था, एक कंट्री थी जो लेबर अबंडेंट थी और कैपिटल स्केयर थी। लेबर अबंडेंट थी तो क्या हो कर रही थी, वो एक्सपोर्ट कर रही थी लेबर अबंडेंट का, और कैपिटल स्केयर का वो क्या कर रही थी, इंपोर्ट कर रही थी। अब इंपोर्ट कर रही थी तो वो इजीली इंपोर्ट कर पा रही थी क्योंकि फ्री ट्रेड थी, तो लोग डिमांड किसकी कर रहे थे, इंपोर्ट गुड्स की कर रहे थे और इसको डिमांड नहीं कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, टैरिफ लग गया, टैरिफ लग गया। अब टैरिफ लगने के बाद वही एक कंट्री है, एक कंट्री में लेबर अबंडेंट गुड्स है जिसका एक्सपोर्ट अभी भी हो रहा है और कैपिटल स्केयर फैक्टर है जिसका अपन इंपोर्ट कर रहे हैं। बट अब टैरिफ लगने के कारण जो इंपोर्ट गुड्स अगर मान लो 10 रुपये में मिल रहे थे और जो कंट्री के अंदर जो गुड्स मिल रहे हैं वो भी वो 11 रुपये के मिल रहे थे, ये मान लो, ठीक है, ज़्यादा के मिल रहे थे। अब 2 रुपये इसके अंदर प्लस कर दिए गवर्नमेंट ने, कहा कि हम ज़्यादा में बेचेंगे, तो ये 12 रुपये के मिलने लगे। तो अब एज कम्पेयर टू वो डिमांड किसकी करेंगे, स्केयर फैक्टर की डिमांड होनी बढ़ जाएगी क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे पैसा ज़्यादा लग रहा है, इंपोर्ट का टैरिफ देना पड़ रहा है, चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए वो अब डिमांड करेंगे कंट्री के अंदर बनने वाले कैपिटल गुड्स की। तो जब वो कंट्री के अंदर बनने वाले कैपिटल गुड्स की डिमांड करेंगे तो क्या होगा, जो भी फैक्टर्स लेबर अबंडेंट गुड्स पे लगाए गए हैं वो वापस अपने कैपिटल स्केयर फैक्टर पे आ जाएंगे और उसमें प्रोडक्शन करना ज़्यादा करेंगे। अब जैसे ही वो प्रोडक्शन करना ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से वो ये लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिक्रीज़ कर देंगे क्योंकि उतना माल बन ही नहीं रहा है तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो जब वो एक्सपोर्ट करना कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल स्केयर जो थे उनको फ़ायदा होने लगेगा, वो गेन करने लगेंगे, उससे उनको फ़ायदा हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि जब भी अपन टैरिफ लगाते हैं कि कोई भी चीज़ आ रही है उस पर अपने और एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए तो जो कंट्री के अंदर बनने वाली चीज़ें उसको फ़ायदा मिलेगा, प्लस जो कंट्री से बाहर जा रही थी चीज़ें क्योंकि वो उसी के ही कैपिटल और लेबर्स यूज़ करके बाहर भेज रहे थे, ज़्यादा गुड्स बना रहे थे, बट अगर वो अब वापस उसी चीज़ को बनाने में लग जाएंगे, यानी कैपिटल गुड्स बनाने लग जाएंगे, यानी स्टील बनाने में लग जाएंगे, तो क्या होगा, स्टील बनाने के लिए भी वर्कर्स और अलग अलग कैपिटल वगैरह सब कुछ चाहिए। तो वो जैसे ही वो बनाने लगेंगे तो उससे क्या होगा, क्लोथ कम बन पाएगी तो अपने कंट्री की तो वो डिमांड फुलफिल करेगी और जो बचेगा वही भेज पाएगी, ज़्यादा नहीं भेज पाएगी। तो इस हिसाब से जो अबंडेंट फैक्टर को होता है उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और स्केयर फैक्टर क्या करता है, गेन करता है टैरिफ की वजह से। अब ये सारी बात किसने बोली, स्टॉपलर सैमुएलसन ने ये सारी बात बोली। फिर उसके बाद कुछ इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने कहा कि नहीं ये बात गलत है, इसका उल्टा भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, और भी दूसरे इफेक्ट होते हैं जो अपन आगे आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ये क्या कहते हैं, कैल्विन मेजलर जगदीश भगवती जी, ये सब क्या कहते हैं कि इनका कुछ अलग से इफेक्ट पड़ता है, तो इनके क्या अपोज में रहते हैं कि नहीं ये जो आप बता रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ अपन देखते हैं। अब इस थ्योरी के प्रोज क्या क्या है, इस थ्योरी के प्रोज ऐसा है, अपना वेलफेयर इंक्रीज होता है, फ़ायदा होता है अबंडेंट फैक्टर को, अगर टैरिफ से पहले अगर अपन बात करते हैं तो अबंडेंट फैक्टर को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है क्योंकि हर एक जन को अच्छे से इनकम मिल पा रही है, क्यों, क्योंकि GDP बढ़ रही है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इस हर एक एक्सपोर्ट की वजह से। अब इनइक्वलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्यों, अगर टैरिफ नहीं लगेगा तो उससे पहले क्या हो रहा है कि अबंडेंट फैक्टर ही गेन कर रहा है, बट टैरिफ लगने से स्केयर फैक्टर भी गेन कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, कभी कभार इनइक्वलिटीज आ जाती है। फिर अपन मान के चले फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन भी रियलिस्टिक नहीं है,
तो ये सारी चीज़ें अपन ने कुछ मान के चली। अपन ने जो देखा, एक बार मैं वापस बताऊं तो अपन ने देखा दो चीज़ें, बिफोर टैरिफ और आफ्टर टैरिफ। अबंडेंट फैक्टर होगा वो गेन करेगा और स्केयर फैक्टर लॉस करेगा, बट आफ्टर टैरिफ क्या होगा, अबंडेंट फैक्टर लॉस करेगा और स्केयर फैक्टर गेन करेगा। ये चीज़ अपन ने मेनली देखी है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।